उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार का बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस दौरान शपथ लेने वाले मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ एक अजीब वाक्या हो गया। राजधानी देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में उनका कीमती मोबाइल फोन गायब हो गया। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी है। धामी सरकार में मंत्री सौरभ बहुगुणा ने फेसबुक पर लिखा, जरूरी सूचना, आज देहरादून परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मेरा मोबाइल फोन कहीं गिर गया है। ऐसे में अगर आप में से किसी को भी मोबाइल मिलता है तो आप मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे संपर्क करें। अगर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से किसी के पास कोई भी कॉल आता है तो कृपया सावधानी बरतें। बता दें कि सौरभ बहुगुणा उत्तराखंड की सितारगंज विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए हैं। सौरभ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के सबसे छोटे बेटे हैं। धामी कैबिनेट में सौरभ के अलावा 7 अन्य विधायकों को भी जगह दी गई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम और अन्य 8 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।